पंजाबी कॉन्फ्रेंस विच हाजरीन अदीब दोस्तों तुहाडा सारिआं दा स्वागत। 15 मिनट की बजाय मैं 14 मिनट विच अपनी गल खत्म करांगा। 15 मिनट की बजाय मैं 14 मिनट विच अपनी गल खत्म करांगा। और वड्डी गल इह है कि जिहड़ी इह गल चेतना की गल है ते पंजाबी समाज की गल है, ये बड़ी सीरियस मुद्दा है। जब कोई चेतन व्यक्ति यह कहता है कि धियां नूं पुत्तां वांग पालो तो मेरे मन च एक प्रश्न पैदा होंदा है कि यह चेतन व्यक्ति दी चेतना का किहा म्यार है कि वह धी दे पालण नूं भी पुत्तां नाल कंपेयर करता है। कि धियां नूं धियां वांग नहीं पाया जा सकता? असीं कित्थे खड़े हां कि धियां नूं धियां वांग नहीं पाया जा सकता? कभी सोचना धियां नूं धियां वांग पाल के देखियो धियां की बनदियां ने। और वड्डी गल है कि जदों तालीम विचों तरबीयत ते तहजीब खत्म हो जाए तां तालीम सिर्फ डिग्रियां रह जाती है, ज्ञान नहीं होगा। तो अजकल असीं सिर्फ डिग्रियां लैण टुके रह गए हां, साढ़े विचों ज्ञान मनफी हो रहा। जो मैं चेतना की गल करता सी तो मैं ये गल दो एग्जाम्पल ना शुरू करांगा। दो एग्जाम्पल मैं अपनी अखी देखिया ने। मैं शिकागो में एक यूनिवर्सिटी की विद्यार्थी को मिलया तो मैं उन्होंने, वैसे मेरा क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी पढ़ा, मैंने मैं उन बच्चे पूछे भी हाउ यू फील इन द यूनिवर्सिटी। वो कहती जी मेरा कोई अपनी कम्यूनिटी में कोई दोस्त नहीं, मैं अपनी कम्यूनिटी में किसी को दोस्त नहीं बनाती, मेरे दोस्त वाइट ने। मैं कभी कहा दिखी है कि गल यह है जी कि मैं मेरे अपने पेरेंट्स का मैं कोई गल शेयर ही नहीं कर सकती, हाउ आई कैन कन्वे, मैं इंटरैक्ट ही नहीं कर सकती। और जी मेरी कम्यूनिटी के बच्चे ने उन्होंने इन परत ने कि उन्होंने परतों में वो मैं कई बार एक्सप्लॉइट भी कर दी ने, मैं कई होर तरह भी बरतते हैं। और मैं दैन आई सा कि दी वाइट फ्रेंड्स आर वेरी प्योर, वेरी ट्रांसपेरेंट एंड वेरी डिपेंडेबल फ्रेंड्स। और मैं सोचने लगा कि जिस कुड़ी के मन में अपनी कम्यूनिटी बारे अपने फ्रेंड्स बारे इस तरह के विचार हो, बच्ची अपनी कम्यूनिटी ना नहीं जुड़ सकती। वो क्यों टुटी है? साढ़े बहुत बड़ा प्रश्न है कि वो अपनी कम्यूनिटी को क्यों टुटी है। दरअसल असी प्रवास कर लिया पर प्रवास की समस्या, प्रवास में असी अपने परिवार को किस तरह सामना है ये सीखिया नहीं, और उन्हें एक नवी समस्यावान जन्म दिता। दूजी एग्जाम्पल है कि पंजाब 1970 हरी क्रांति आती है कि जिन्होंने हरी क्रांति इंप्लीमेंट की है वो किन्ने चिंतनहीन लोग होंगे कि उन्होंने फिक्र ही नहीं किया कि भविख में इस हरी क्रांति ने सानू की दे के जाना। साड़ी धरती खत्म होगी, साड़ी हवा पल्यूट होगी, साड़ा पानी खत्म हो गया, साड़ी जवानी खत्म होगी, सानू मिला की सानू फर्टिलिटी सेंटर मिले, सानू हस्पताल मिले, और सानू अपना आप विचों असी अपने आप तो मनफी हो गए। वो तो क्यों नहीं सोचा जिन्होंने एग्रीमेंट किया कि यह प्रभाव ठीक होएगा। हूँ जो असी सिर्फ आईलैट तो आईलैट तो आईलैट तक सफर कर गए हैं तो सोचने की यह भी लोड़ है कि एक कि ताकत सी, कि सोच सी कि असी वो पेरेंट्स किस तरह के ने जिन्हें कोई चेतना ही नहीं कि मैं अपनी धी को कैनेडा भेज रहा। वो धी जिनू मैं जो टीशू तो पटरी हो गई सी तो मैं वेट करता हूँ कि बच्ची घर सेफ पहुँच गई कि नहीं पहुँच गई, उन्होंने कली में तुम्हें बाहर जो दिता उसके जिन्हें मुश्किल हुई सी बाद क्यों नहीं चेतन किया? बड़े गंभीर मुद्दे ने और इन बारे असी अखों परोखे नहीं कर सकते, सू इन बारे सोचने की लड़ पैनी है। और जब मैं चेतन की गल करता चेतना बेसिकली बदलते हालात में अपनी सोच न अपने सुपन अपने सरोकार अपन संभावनावान अपन समर्थावान अपने साधना समय का बाणी बना।
जो असी अपनी सोच में सारे समय का हाणी नहीं बनावे असी पुरानिया सोचों के नाल मौजूदा समय के नहीं चल सकते। सानू अपनी धारनावां बदलनिया पैन गई, सानू अपनी सोच बदलनी पै गई, सानू समय का हाणी होना पै। और चेतना सिर्फ एक याद भी छड़ी नहीं होंगी, ये सानू विरासत में मिलती है, ये साढ़े रोल मॉडल होंगे, सानू समाजिक वर्तारियों साढ़े बजुर्गों को मिलती है। और मैं कई बार सोचता हूँ कि साढ़े बजुर्ग साढ़े तो ज़्यादा चेतन से। मेरा फादर टोटल अनपढ़ सी, मैंने यूनिवर्सिटी तक पढ़ाया, असं की कर रहे हैं, असं अपने बच्चे की असं उस लैवल की वजह दे रहे हैं। सानू मेहनत करनी सिखाई, सानू दसिया कि किसी की मदद कितना करनी, सानू यह भी दसिया कि किसी के पट्ठे वढ़ने जड़े ना, किसी के चोरी पट्ठे वढ़ने नालों कोई जे सत्संग नालों सब तो ज़्यादा जरूरी गल होंगी है कि किसी के चोरी पट्ठे ना वढ़ो। एक जी वड्डी फिलोसफी है जिहड़ी सानू साढ़े मापे ने सानू दित्ती आ कि असं अपने बच्चों को कोर्स दे रहे हैं अगली जे। और ये चेतना सिर्फ तो सिर्फ लफ्जों में नहीं होंगी, किताबों में नहीं होंगी, ये चेतना तुहाडे अपने आप को शुरू होंगी है। ये स्वय चेतन होना जरूरी है। और जो स्वय चेतन की गल करते हैं उस विच शरीरक भी है, मानसिक भी है, भावनात्मक भी है। तो उस विच साडी जिहड़ी मानसिक जिहड़ी चेतना है वह बहुत बौद्धिक चेतना भी होंगी है। और उस तो बाद समाजिक चेतना है, परिवारिक चेतना है, धार्मिक चेतना है कि असी धर्म मनते हाँ जां धर्म ही मनते हाँ। राजनीतिक चेतना भी होंगी है। और असी इस चेतना का जो सफर है, इस सफर के चार पड़ा ने। और तुसी सोचना अपने आप के अंदर देखना कि असी वो चार पड़ा तय करते हैं कि नहीं तय करते। और पहली गल होंगी है कि बंदे भावुकता किन्नी है, वो सेंसिटिव किन्ना है, किसी चीज को कितना महसूस करता है। और जब बंदा महसूस करेगा फिर उसके लिए सैकंडली भावुकता को बौद्धिकता का सफर का तय करना भी बहुत जरूरी है कि बंदे का बौद्धिक रूप में उस वर्तारे को समझे, देखे, परखे, उसकी परतां जोड़े और उसके विचों देखे, फिर चिंता करनी शुरू करे, बौद्धिक तो चिंता दे। और चिंता तो फिर चिंतन करे कि यार ये क्यों हो रहा है, इस वर्तारे को किस तरह बदलिया जा सकता है और इस वर्तारे को मैं अपने पक्ष में किस तरह कर सकता। तो चिंतन जो असं करांगे तो फिर असं चेतन अपने आप ही होगा। सो चार पड़ा ने, और चार पड़ा के लंघ के असं चेतन हो सकते हैं। और चेतन होने की सब तो पहली गल जरूरी होंगी है कि अखर नाल जुड़ना। असं अखर तो बहुत दूर चले हैं, पंजाब का हमने गल कर रहे थे पाली भुपिंदर जी, क्योंकि मैं कॉलेज पंजाब के कॉलेजों में 33 साल पढ़ाया, गरको खत्म हो गया तो एजुकेशन सिस्टम जो तुम IAS तो IELTS तक सुमट जाओ तो फिर अखर तो बंदा बहुत दूर चले जाता। तो जो बंदा अखर तो दूर जाएगा वो साहित्य तो दूर जाएगा, जो वो साहित्य तो दूर चले गया वो जीवन जाच तो दूर जाएगा, वो मनुखी कदर तो दूर जाएगा, वो पता नहीं लगना कि समाजिक वर्तारियां कि परतं ने, उन्हों परतों के मैं किस तरह गुजरना ने, किस तरह दशकल मैं आनी ने, और मुश्किलों के मैं किस तरह अगे लगे जा। और उस तो बाद असी अपनी विरासत जुड़ा, असं पुरखियों के नाल जो जुड़ा, असं अपने पुरखियों को सीखा बह के, वो उन्होंने कोई डिग्री हासिल नहीं की पर वो ज्योंदी जागती जिंदगी की किताब ने। और उन्होंने जो ज्ञान है वो किसी किताब के नहीं मिलना, जो साडे बजुर्गों ने सानू देना होंगे। और जिहड़ियां पीढ़ियां अपने बजुर्गों नाल जुड़दियां ने उन्होंने एक रोल मॉडल बनाउंदियां ने, वो हमेशा चेतन होंदियां ने और वो जिंदगी दी मुश्किलां नूं बड़ा समूथली अगे निकल के तुर जांदियां। और तीजे नंबर ते गल है कि सानू असीं पंजाबियों ने हर लैवल ते बहुत तरक्कियां कीतियां, कैनेडा च भी, अमेरिका च भी, इंग्लैंड च भी। की साडा पंजाबियों का कोई थिंक टैंक है? क्यों नहीं असीं अपना थिंक टैंक बना सके जिहदे विच वखरे वखरे माहर हो, ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਣ? ਸਾਡਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ
एज अकैडमिशियन और वक्रो वक्रे ग्रुप होने चाहिए ने जो कम्यूनिटी में एक सीध दे के एक वक्री वर्खण पछाण उन्होंने दे दे सकन और कम्यूनिटी का विकास हो सके। और तीजे नंबर से जी सब तो इंपोर्टेंट गल हैगी जी मैं कई बार यह सोचता हूँ कि असी कदे कदे कि अपने आप को मिले कि असी अपने आप के रूबरू होए कि अपने आप दियां कमियां कुताहियां कमीनगियां देखिया है कि उन्होंने असी अपने आप को पछाण करके कि असी परख की है कि असी उन्होंने की मनफी किया है कि असी अपनी व्यक्तित्व पछाण सिरजन कि सफर तय किया है असी कितने खड़े हैं। और जो असी अपने आप को मिलेंगे तो फिर सब पता लगेगा कि असी अपने आप लिए की कर रहे हैं अपने परिवार लिए की कर रहे हैं अपने समाज लिए की कर रहे हैं और उस समाज को असी की दे रहे हैं तो असी की चाहते कि समाज किस तरह का बने। और बंदे का सब तो जरूरी होंगे अपने आप को मिलना और जो बंदा अपने आप को मिल की एक राह पर तुर पैंदा अपनी पछाण सिरजन के रस्ते तुर पैंदा तो फिर एक वक्खरा मुकाम उसकी जिंदगी दे विच आउंदा जिहदे विचों वो समाज में भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर दिंदा। और सब तो वड्डी गल है कि सानू यह गल समझण की लोड़ है कि समाज में जिहड़े भी चेतन लोग ने वो किस तरह काम करते हैं। कभी तुसी चेतना दी जिहड़े चेतन लोगों के किसी ग्रुप की वर्किंग समझना हो कदे कदाई खडूर साहब जाके देखना कि एक संस्था ने वातावरण प्रति किस तरह चेतना पैदा की है विद्या प्रति किस तरह चेतना पैदा की है लड़कियों को जॉब देने वास्ते आर्म फोर्स भेजने वास्ते कितना चेतना व्यक्त की है पी एच डी सी टी दी एक वक्रा अदारा बना के बच्चे मैडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं और उन्होंने एक हूँ डिफेंस सर्विसिज वास्ते कंपीटिशन वास्ते भी उन्होंने एक वक्रा अदारा बनाया। और बाबा सेवा सिंह जी पढ़े हुए नहीं पर उन्होंने ज्ञान साढ़े नौ ही ज्यादा है उन्होंने कोई डिग्री नहीं और क्योंकि मेरा उन्होंने रबता से जो पी एच डी सी टी शुरू किया तो मैंने कहते भी आप इस तरह बच्चों पंजाबी बच्चों मैडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजना तो तुम की करोगे। मैं कहा जी मेरी सेवावान हाजिर एंड आई वर्क फॉर दैट इंस्टीट्यूशन फॉर फोर ईयरस तो हूँ भी मैं जल्द जाव मेरा पहला गुरुद्वारे की बजाय यह होंगे कि मैं उत्थे जाके बच्चों को बैठे आव कि बच्चे की कर रहे हैं। सो वह एक वक्रा जो देंगे हो वह बहुत इंपोर्टेंट हों। दूजे नंबर पर काफ़ी लोग इतने बैठे ने एक मुस्लिम संस्था है जिन्होंने एक अपना आल फाइनेंशियल सोर्स इकट्ठे करके इंटैलीजेंट बच्चे इकट्ठे करते हैं और उन्होंने मैडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज आई ए एस वास्ते तैयार करते हैं आई आई टी वास्ते तैयार करते हैं कि असी पंजाबी नहीं कर सकते सोचना जरा असी कितने खड़े हैं किस तरह असी अगे बढ़ सकते हैं। मेरा टाइम इन्नी है इस तो बाद थैंक यू सो मच।